नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। तो जैसा कल मैंने आप सभी को बताया था कि योगी सरकार एक्शन मोड में है। कल पेपर में सब कुछ, जितने भी नई परीक्षा नीति बनाई गई थी उसमें सभी पॉइंट मैंने कल डिस्कस कर दिया था। तो आज आपके सामने वही पॉइंट जो बच्चे बोल रहे थे कि सिर्फ ये पेपरों में आता है, ये पेपरों में नहीं, ये शासनादेश भी आपका जारी हो चुका है। तो अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि पेपर लीक के मामले को लेकर योगी सरकार कितना गंभीर है और पूरी इस बार कोशिश है कि किसी भी प्रकार से कोई भी पेपर लीक ना हो और परीक्षा अपने सही समय पर हो, रिजल्ट सही समय पर हो और बच्चों को जो नौकरी है वो सही समय पर मिले, उसके लिए ये शासनादेश निकाला गया है। तो इस शासनादेश के पॉइंट तो आप लोगों को कल भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर एक विस्तृत तरीके से देख लिया जाए। आपको देखिए विभिन्न आयोगों को ये शासनादेश भेजा गया है, साफ साफ बोला है इस संबंध में विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया, यहां ध्यान रखिएगा, चयन प्रक्रिया में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार और परीक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ और सुचितापूर्ण बनाने हेतु निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है। अब परीक्षा केंद्रों का चयन निर्धारण, ये मैंने भी बताया था कि प्रदेश के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सुचिता एवं पारदर्शिता बनाए रखने हेतु परीक्षा केंद्रों का चयन निर्धारण और अधिक सावधानी पूर्वक किए जाने की आवश्यकता है। पहले भी होता था लेकिन अब और सावधानी पूर्वक आवश्यकता है, जिसमें जिला प्रशासन का योगदान सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो भी जिला प्रशासन है उस केंद्र को चुनने में उन्हीं का योगदान होगा। अगर वो सही से केंद्र नहीं चुनते हैं और बाद में कोई कमियां पाई जाती हैं तो जवाबदेह जिला प्रशासन होगा। अतः इसके लिए गुणवत्तापूर्ण परीक्षा केंद्र का चयन निर्धारण हेतु आपकी ये शासनादेश बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब बोला यहां पर कि मेन जो आपका समिति गठित हुई है उसमें जिला अधिकारी ही इसका अध्यक्ष है, बाकी अपर जिला अधिकारी, नोडल अधिकारी परीक्षा सदस्य रहेंगे। उसके वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक, आयुक्त के द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी ये सदस्य रहेंगे। तो इतने लोग आपके रहेंगे इसमें जो आपका ये समिति बनाई गई है जो पेपर के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहां बात क्या किया गया है कि उपरोक्त समिति द्वारा परीक्षा केंद्र का चयन केवल निम्न दो श्रेणियों में होगा। जो परीक्षा केंद्र होगा दो श्रेणियों में होगा, एक होगा श्रेणी ए और श्रेणी बी। इस श्रेणी में समुचित आवश्यक सुविधाओं वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज ही सम्मिलित होंगे। और बी में क्या है, इस श्रेणी में ऐसे ख्याति प्राप्त तथा सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाएं ही सम्मिलित होंगी जो पूर्व में संदिग्ध या विवादित या काली सूची में ना रही हो, ब्लैकलिस्टेड ना हो और फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो, ऐसे लोगों को क्लास बी में रखा गया है। परीक्षा केंद्रों हेतु निम्नलिखित मानक होंगे, परीक्षा केंद्र के लिए मानक तय किया गया कौन कौन सा है कि आपका ए और बी में से परीक्षा केंद्र होना चाहिए। दूसरी बात, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन कोषागार की दूरी 10 किलोमीटर होनी, मतलब जहां पेपर रखा गया है वहां से आपके सेंटर की जो दूरी होगी जो आपका वो 10 किलोमीटर की दूरी में ही होना चाहिए। कुल परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता आपकी उसकी कितनी है उस पर भी निर्भर है। कक्ष निरीक्षण हेतु संस्थानगत अध्यापक और क्रामिकों की संख्या, विगत 3 वर्ष में आयोजित कराई गई परीक्षाओं का अनुभव क्या रहा है उस संस्था का, ठीक है, 3 वर्ष में कोई उस पर कंप्लेन तो नहीं आई है। परीक्षा केंद्र शहर की आबादी के अंदर हो, ये सब कल मैंने बताया था। परीक्षा केंद्र तक जाने हेतु मार्ग यातायात साधन आपका हो, परीक्षा केंद्र भवन बाउंड्री वाला हो, पेयजल शौचालय इन सब की सुविधा हो, परीक्षा केंद्र पर फर्नीचर और विद्युत उपकरण की सुविधा हो, 10 क्रियाशील सीसीटीवी के अनिवार्य उपलब्धता शिक्षण संस्था अथवा बोर्ड आयोग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। तो ये सभी चीजें आपके परीक्षा केंद्र में होना अनिवार्य है। उसके बाद बोला परीक्षा केंद्र चयन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का भी ध्यान रखा जाएगा, और किस बिंदुओं का, परीक्षा केंद्र का चयन यथासंभव नगरीय क्षेत्र में ही हो, आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा केंद्र का चयन नगरीय क्षेत्र से 10 किलोमीटर व्यास डायमीटर के दूरी पर मुख्य मार्ग पर स्थित संस्थाओं में से ही हो,
10 से ज्यादा दूरी न हो, यह ध्यान रखा जाएगा। उपरोक्त समिति द्वारा परीक्षा केंद्र से संबंधित उपरोक्त श्रेणी ए या बी के विद्यालय संस्थाओं का वर्गीकरण सतत रूप से किया जाए। परीक्षा केंद्रों के चयन को अंतिम रूप देने पूर्व परीक्षा केंद्र के संबंध में स्थानीय अधिसूचना इकाई से रिपोर्ट अवश्य प्राप्त कर ली जाए। मुख्यालय स्तर पर एसटीएफ से फीडबैक लेकर ही परीक्षा केंद्रों की सूची अंतिम किया जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सभी चीजें आपके परीक्षा केंद्र से रिलेटेड आपके शासनादेश ये नियम कानून निकाले गए हैं। इसके बाद से और क्या चीजें बनी है, अब यहां पे देखो, परीक्षा प्रणाली के लिए एकीकृत एजेंसी के साथ पृथक पृथक एजेंसी का चयन एवं कार्य, एक ही एजेंसी पर भार ना हो, ठीक है, तो उसके लिए भी यहां पर बोला गया है चयन आयोग और चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा संबंधी संपूर्ण कार्य एजेंसी के माध्यम से कराए जाते हैं। वहां किसी भी परीक्षा का संपूर्ण कार्य एक ही एजेंसी को दिया जाना उचित एवं सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इसके लिए संबंधित चयन आयोग चयन बोर्ड निम्नोत्तर एजेंसी जो ऐसे कार्य को करने में स्वयं सक्षम हो का निर्धारण करने पर विचार कर सकती है। एजेंसी ए एक जो होगी इसके लिए प्रश्न पत्र तैयार करना, छपवाना तथा उन्हें समस्त जनपदों के कोषागार तक पहुंचाना इसका कार्य रहेगा। एजेंसी बी का परीक्षा को संपन्न कराना जिसमें प्रश्न पत्रों को कोषागार से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना, परीक्षा केंद्र की समस्त व्यवस्था तथा परीक्षा के उपरांत ओएमआर सीट को आयोग और बोर्ड तक पहुंचाना, ये बी की एजेंसी काम रहेगी। सी एजेंसी क्या करेगी, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था जिसमें सिक्योरिटी फिशिंग और उसके बाद से बायोमेट्रिक कैप्चर सीसीटीवी कंट्रोल रूम की स्थापना इत्यादि सम्मिलित रहेगा। यह सब मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए सी एजेंसी। डी का क्या है, ओएमआर सीट को स्कैनिंग आयोग बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था जय बोर्ड आयोग को उपलब्ध कराना, ये आपके डी मतलब डी एजेंसी आर मतलब चार एजेंसियों का चयन किया जाए इसके लिए, ठीक है, ये सब आपके बोले गए हैं। देखते हैं क्या क्या होता है शासनादेश में, तो ये सब हो गया। अब बोला गया है कि प्रश्न पत्रों की तैयारी कैसी होनी चाहिए। प्रश्न पत्रों को बनाने में ये ध्यान रखा जाए कि परीक्षा के समय कुल पालियों के सापेक्ष हर पाली के लिए कम से कम दो या अधिक प्रश्न पत्रों का सेट उपलब्ध रहे, कि अगर एक सेट लीक भी हो जाता है तो दूसरा सेट हम करा सके, ये सुविधा हो ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र को अलग अलग एजेंसी द्वारा तैयार कर छपवाया जाए, ये भी बोला गया है कि जो भी दो सेट बनेंगे पेपर के वो अलग अलग एजेंसी के द्वारा हो। कौन सा प्रश्न पत्र उपयोग में आएगा उसका परीक्षा के दिन परीक्षा आरंभ होने के 5 घंटे पूर्व तय किया जाएगा कि कौन सा सेट से परीक्षा कराया जाए, ताकि जो भी अगर किसी के पास भी रहे तो वो समझ ना पाए। अब प्रत्येक सेट के मल्टीपल सीरीज होंगे, देखिए हर एक यहां पे दो पेपर सेट किया जाएगा और हर एक पेपर के मल्टीपल सीरीज होंगे, ठीक है, उसमें आपके क्वेश्चंस जंबल्ड रहेंगे, ऑप्शंस जंबल्ड रहेंगे जैसे सीरीज आपकी आती हैं। तो वही बोला है कि न्यूनतम 8 सीरीज हो, प्रश्न पत्र तैयार किए जाए तथा प्रत्येक सीरीज के अंतर्गत प्रश्न अलग अलग क्रमांक पर हो जिसमें नकल की संभावना से बचा जा सके। तो ये भी देखिए, ये वाले तो चीजें होती थी, चलो किसी का एक क्वेश्चन नंबर एक आपका 10वें पे होता था, किसी का 50 जो होता है 25 पे होता था, जंबल्ड होते थे, ऑप्शन भी जंबल्ड होते थे, ये चीजें तो पहले से भी होती आई हैं, लेकिन कुछ नया है। प्रत्येक सीरीज में प्रश्न तथा प्रश्नों के विकल्प भी जंबल्ड हो, ये भी होता आया है। अगल बगल के अभ्यर्थियों को पृथक सीरीज के प्रश्न पत्र पैकिंग में वितरित किया जाए, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब होता आया है। अब अगले पे आते हैं और क्या हुआ है। प्रश्न पत्र में यूनिक सीरीज की जानकारी ना हो सके तथा उस पर एबीसीटी इत्यादि ना लिखा जाए, ठीक है, कि वो यूनिक है ऐसा ना लिखा जाए। अब आगे आते हैं, 4 लाख से ऊपर अगर अभ्यर्थी है तो 2 टियर में 2 स्तरीय परीक्षा अनिवार्य किए जाए। ये एक बड़ी खबर है कि आपके अगर 4 लाख से ऊपर के अभ्यर्थी हैं तो वहां 2 टियर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। अब 2 टियर भी कोई भी हो सकता है। आप जैसे कहोगे क्या सर यूपी पुलिस में होगा कांस्टेबल में 2 टियर, अरे 2 टियर तो हो ही रहा है आपका, एक फिजिकल तो आपका होता ही है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें कम संख्या पर 2 टियर स्तरीय परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता है, इससे कम पे भी चुना जा सकता है। एक पाली में यथासंभव अधिकतम 5 लाख अभ्यर्थी ही हो, इससे अधिक परीक्षार्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा कराई जाए। यदि चयन आयोग बोर्ड चाहे तो 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर एक या उससे अधिक पाली में परीक्षा करा सकते हैं। पीसीएस
परीक्षा एक विशिष्ट परीक्षा है, अतः यदि आयोग चाहे तो इससे अधिक परीक्षार्थियों होने पर भी उक्त परीक्षा को एक पाली में करा सकते हैं। खासकर यूपीपीसीएस वालों को एक छूट दिया गया कि 5 लाख से ज्यादा भी हैं तो आप एक पाली में करा सकते हो, बाकी आपके अगर ऐसे हैं तो आप एक से ज्यादा पाली में परीक्षा कराइए अगर 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं आपके पास। तो उसके बाद से क्या बोला है, प्रश्न पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर गोपनीय सुरक्षा चिन्ह हो, यूनिक कोड हो, बार कोड हो, इस प्रकार की चीजें वो अब आज के पेपरों में होने लगे थे। प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका को ले जाने के बक्से को टेम्पर प्रूफ मल्टी मटेरियल पैकेजिंग व्यवस्था हो, प्रश्न पत्र की सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाए, किंतु ये ध्यान रखा जाए कि प्रश्न पत्र की सेटिंग में जितना समय सामान्यता लगता है उससे अधिक का समय न दिया जाए, कि ऐसा ना हो कि प्रश्न पत्र सेट करने के लिए समय दिया गया अब लगाते लगाते साल भर बिता दिए, जो एक संभव समय होता उसी समय में आपको करके देना है। परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रश्न पत्र छपवाने की एजेंसी का नियमित निरीक्षण किया जाए, यह ध्यान रखिएगा जो भी एजेंसी प्रश्न पत्र छपवाएगी। अब प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जो जो चीजें हैं कि भैया क्या क्या वहां पर होना चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस का चयन अत्यंत गोपनीय और महत्वपूर्ण कार्य है, अतः इसके चयन में अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए शासनादेश ये दिनांक 20/11/2018 के प्रस्तर 4 में व्यवस्था है। उक्त व्यवस्था के साथ ही प्रिंटिंग प्रेस के चयन के संबंध में बोर्ड आयोग द्वारा निम्न सावधानियां अवश्य बरती जाए, उन पे जो भी आपका शासनादेश आया था प्रिंटिंग प्रेस से उससे रिलेटेड ये सावधानियां आपको बरतनी है। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर आने अथवा बाहर जाने वाले प्रत्येक द्वार पर सजग सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था हो, प्रिंटिंग प्रेस के अंदर कार्य करने वाले प्रत्येक स्टाफ के पास प्रेस की आईडी और जो भी आपका प्रूफ होता है वो हो, किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रेस में प्रवेश वर्जित हो, प्रिंटिंग प्रेस में कार्य कर रहे स्टाफ ठीक है या किसी अन्य आगंतुक को प्रिंटिंग एरिया के अंदर स्मार्टफोन कैमरा ले जाने वर्जित हो। उसके बाद से प्रेस के प्रिंटिंग एरिया तथा प्रेस के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 1 वर्ष सुरक्षित रखी जाए तथा सुरक्षा एजेंसी द्वारा तत्काल मंगाने पर वो रिकॉर्डिंग उन्हें उपलब्ध कराई जा सके। टेंडर के शर्त में ये एक बाध्यकारी शर्त होना चाहिए। ये सब चीजें आपको बोली गई है, ये ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा शासनादेश। वैसे ये सब होता आया है, थोड़ा सा उसी में मॉडिफिकेशन किया गया है। बाकी ओएमआर सीट का बोला है कि ओएमआर सीट 3 प्रतियों में होनी चाहिए, जिसकी मूल प्रति परीक्षा नियामक संस्था बोर्ड आयोग के मूल्यांकन हेतु दी जानी चाहिए और दूसरी सील बंद कर कोषागार में सुरक्षित रखी जाए तथा तीसरी जो हो वो अभ्यर्थी लेकर जाए। पहले 2 होती थी अब 3 होगी। ओएमआर सीट की मूल्यांकन स्कोर प्रोसेसिंग प्रक्रिया में पूर्ण ऑटोमाइजेशन होना चाहिए, यह ध्यान ऑटोमेटिक पूरा होना चाहिए। अब उसके बाद से बोला है मॉनिटरिंग एंड सैनिटाइजेशन क्या है, इसके बारे में बोला गया कि कैसे आप मॉनिटरिंग करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो वही बोला है 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी वाली या अन्य संवेदनशील परीक्षाओं में परीक्षा से पहले मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर महानिदेशक एसटीएफ के स्तर पर मंडल युक्त जिला अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक के साथ तैयारी बैठक हो, जिसमें चयन आयोग के अध्यक्ष भी सम्मिलित हो। उक्त तैयारी बैठक में अपर महानिदेशक एसटीएफ भी उपस्थित रहे। चयन आयोग बोर्ड जनपद स्तर पर परीक्षा से जुड़े विभिन्न अधिकारी, मजिस्ट्रेट, परीक्षा केंद्र पर लगाए गए परीक्षा को संचालित कराने वाले कर्मी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ प्रशिक्षण की व्यवस्था चयन आयोग बोर्ड द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए। मतलब ये सब चीजें वो है जो आपके अधिकारी स्तर पे कैसे आपको ये चीजें मॉनिटरिंग करना है पेपर जब होता है तो। उसके लिए परीक्षा के दौरान व्यवस्था, चयन आयोग बोर्ड परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार के अफवाह का तत्काल खंडन कर सकता है, यह उसके अधिकार दिया गया है। परीक्षा पूर्व, परीक्षा के दौरान, उसके पश्चात संबंधित चयन आयोग बोर्ड द्वारा एसटीएफ, जनपदीय पुलिस और अधिकारियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा जाएगा। परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जाएगी, ये सब बोला गया है। अब परीक्षार्थियों का सत्यापन कैसे होगा, ये बोला है परीक्षार्थियों का स्कैन, हस्ताक्षर और फोटो का मिलान परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा, जो भी स्कैन सिग्नेचर किए वो सब चीजें। परीक्षार्थियों का बायोमेट्रिक लेते समय बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन, उसके बाद आईरिस कैप्चर ठीक से लिया जाएगा, जो आपका कैप्चर लिया जाता है। लिखित परीक्षा के समय कैप्चर किए गए परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक डाटा का मिलान
सफल अभ्यर्थियों से चयन प्रक्रिया में अगले चरण काउंसलिंग के समय अवश्य किया जाएगा। यह सब होता है। सफल परीक्षार्थियों को आगे साक्षात्कार आदि के समय वैध एडमिट कार्ड के साथ ही बुलाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें आपके बोला गया है कि जाओ सेंटर पे होगा, जो जिसको हम लोग आजकल बायोमेट्रिक प्रोसेस बोलते हैं कि आपका होता है, वही चीजें हैं। उसके बाद से ये बाकी सीसीटीवी से संबंधित है, आपके परीक्षा से संबंधित और अन्य व्यवस्थाएं कौन कौन से हैं वो सब चीजें यहां पर दिया गया है शासनादेश में। तो जैसा कल मैंने आपको बताया था वो सभी चीजें यहां पर है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा अब आपका मेन आते हैं यहां पर, जो ये बोला गया था कि सेंटर आपको कहां मिलेगा, एक सेंटर से रिलेटेड था ना कि सेंटर आपको कहां पर दिया जाएगा एग्जाम का, उस वाले पॉइंट पे आते हैं। सेंटर वाला जो पॉइंट था हमारा, ये एजेंसी वाला हो गया, एजेंसी वाला आपने देख लिया, अब सेंटर वाले पे यहां पर था ना। सेंटर से रिलेटेड था, तो सेंटर से जो रिलेटेड था आपका पॉइंट, सेंटर यही है कि मंडल से आपका जो मंडल है ना, मंडल से आपके बाहर सेंटर भेजा जाएगा, बस महिलाओं को छोड़ के। यहीं पे किसी पॉइंट में था आपके सेंटर से रिलेटेड चीजें थी। चलिए, तो सेंटर वाली मैंने कल बात आपको बता दिया था कि सेंटर वाले में क्या क्या है। बाकी ये सब सुरक्षा से रिलेटेड हैं, प्रश्न पत्र के सुरक्षा कैसे किया जाए, ये सब बातें यहां पर की गई हैं। चलिए, अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, अब मेन वही है, परीक्षा आपका जो है मंडल से आपका बाहर रहेगा, जो अभ्यर्थी मंडल सेंटर जो होगा मंडल से बाहर आपका रहेगा। और ये आपको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखिएगा कि जो महिलाएं हैं उनका सेंटर मंडल के अंदर ही रहेगा, लेकिन मंडल के अंदर किस जिला में रहेगा ये नहीं पता, ठीक है। जिला आपका बदला रह सकता है, और बाकी लोगों के सेंटर जो पुरुष वर्ग हैं उनका सेंटर मंडल से बाहर भी आपको भेजा जा सकेगा। आपके कहीं ना कहीं गृह जनपद तो चांसेस बहुत कम है कि मिले आपको सेंटर। तो ये सब कानून आपके बनाए गए हैं, ये कानून आपके बने हैं, देखते हैं कि कैसे आपके फॉलो होते हैं ये नियम कानून जो बनते हैं, ये सही रूप से फॉलो कौन कराता है। अब वो सरकार पर डिपेंड करता है, उनके अधिकारियों पर डिपेंड करता है कि ये जो नियम बने हैं क्या ये अब ऐसा है कि पेपर लीक नहीं होगा, क्या पहले ऐसा कानून नहीं था, क्या ऐसे नियम नहीं थे। थे पेपर पहले भी ऐसा होता था कि सफल किए जाते, हाँ अब थोड़ा सा उसी में मॉडिफिकेशन किया गया, एजेंसी में पहले एक एजेंसी होती थी अब तीन चार एजेंसी हो गई, लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीजें आपकी पहले होती थी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। तो क्या लगता है कि अब रुक जाएगा नकल? बाकी इसका जवाब आप कमेंट में खुद दीजिएगा, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। तो शासन तो यही चाह रहा कि ये जो नियम है अगर इस नियम से चला जाएगा तो हो सकता है कि नकल माफिया पर रोक लगाया जा सके। उनके लिए एक कड़ा से कड़ा कानून लाना चाहिए, कम से कम एक फांसी सजा तो दे ही दो। दो चार लोग लटक जाएंगे जब नकल करते हुए जो पकड़े जाएंगे ना, तब कहीं समझ में आएगा, बीच चौराहे फांसी लगवाओ उनको, ऐसा करो तब जाके कुछ समझ में उनको आएगा, तब समझ में आएगा कि भैया पेपर लीक कराना जो है वो सबसे खतरनाक काम है, अगर पकड़े गए तो सीधे फांसी होगी इसमें। तो इस प्रकार का कुछ एक्शन लेना चाहिए। बाकी जैसा भी होगा और जो भी चीजें नया नोटिफिकेशन आएगा, हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सूचित करते रहेंगे। आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को जो लोग भी नहीं सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब कर लें। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।